अम्मा कितनी कदूर ओ शिमले नी वसना कसौली नी वसना शिमले नी वसना कसौली नी वसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और चंबे जाना ज़रूर, तो अब चंबा जाना ज़रूर है तो हमने सोचा चल पड़ते हैं। तो नया ट्रिप बना रहे हैं, नया प्लान किया है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं चंबा के लिए। चलिए तो करते हैं फिर फाइनली अपनी जर्नी शुरू और बोलते हैं हर हर महादेव। और हर बार की तरह हम मोस्टली अपनी जर्नी शुरू करते थे कहीं पहाड़ों से, कभी सुंदरनगर से, कभी शिमला से, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं अपनी जर्नी शुरू चंडीगढ़ से, क्योंकि इस बार पहाड़ आएंगे अभी थोड़ी लेट। हम जा रहे हैं वाया जलंधर पठानकोट होके टुवर्ड्स पानीखेत। चंडीगढ़ की अलग ही बात है अपनी। एक बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट अब तो वही 10-12 शायद उससे भी पहले, 12-13 साल पहले, यहाँ से +1+2 में स्कूल जाया करता था मैं। सुबह सुबह ठंड में हालत ख़राब हो जाती थी। ये हम चंडीगढ़ से अब एग्ज़िट करते हुए और अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते हुए अभी वाया जलंधर रोड पकड़ेंगे हम, और उससे होते हुए पठानकोट निकलेंगे। फिर आगे वहाँ से आपको पता ही लग जाएगा, मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और आगे बढ़ते जा रहे हैं रोपड़ हाईवे पे हम, यही अपना मनाली सुंदरनगर को जाता है रास्ता, मतलब हिमाचल को इस साइड से कनेक्ट यही करता है रास्ता। और इससे कनेक्टेड होते होते जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी जलंधर से थोड़ा पीछे पहुंचे हैं, चल रहे हैं, गाने सुनते सुनते चले हुए हैं। बढ़िया है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इट्स गुड, मस्त है। तो छोटा मोटा कुछ खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं अभी। यहाँ पे पंजाबी चूल्हा है, सबवे है और मैकडॉनल्ड्स है। ज़्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़ से आते आते, स्टार्टिंग में ही पहले काफ़ी नज़दीक आ जाता है, मतलब अराउंड हाफ आवर। कुराली वाले, खरड़ वाले, वहाँ से खरड़ से आधे आधे घंटे में पहुँच जाओगे यहाँ, तो सही है। ये मेन रोड जाता हुआ वी आर ऑन द वे टू चंबा। चंबा नहीं, आज हम बनीखेत जा रहे हैं। आई विल बी स्टेइंग इन बनीखेत टुडे, और फिर कल डलहौजी खजियार वगैरह जाएंगे, एंड द नेक्स्ट डे वी गो टू भरमौर साइड। अभी तक ये प्लान है, बाकी तो पता नहीं प्लान कहाँ से कहाँ चेंज हो जाते हैं, यू नो हाउ इट गोस। बट यहाँ से यार एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा दिखा था, और वैसे भी बट क्या बोलते हैं, वो स्पॉट चला गया यार पीछे से, इतना ज़बरदस्त दिख रहा था ना नज़ारा, आपको दिखाना था वो। एनी हाउ देखते हैं, क्या पता यहाँ से ये जो रास्ता है अगर आपको दिख रहा है जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, ये एक रिजॉर्ट को नीचे जाता है, और बढ़िया उन्होंने गाड़ी के लिए बना दिया है रास्ता, जाओ मज़े करो। अच्छा थोड़ा यहाँ से आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ, यहाँ से वैसे वो व्यू नहीं आ रहा, बट यहाँ देखो बर्फ़ का एक पहाड़ है, वो शायद आपको दिखे। दिख तो बहुत मुश्किल रहा है, ये देखिए थोड़ा इसे क्लियर करके देखो, बर्फ़ का पहाड़ पीछे। आई थिंक दिस माइट बी सच पास, आई एम नॉट श्योर, बट ये गोल घूम के, इफ यू रिमेंबर वन ऑफ आर लास्ट ब्लॉग्स, अगर नहीं देखा आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अबव, और उसमें से आप देखें उसको भी, वो अपना स्पीति साइड वाला है। तो ये घूम के अपना स्पीति को ही मिल जाता है, त्रिलोकनाथ स्पीति, उदयपुर वगैरह सच पास होके। तो दैट्स द स्टोरी फॉर नाउ, और बाकी तो बस यही है, अभी चल रहे हैं। और ये अपनी देखिए गाड़ी, तो गाइस बनीखेत पहुंच गए हैं, और ये है बनीखेत से आगे का नज़ारा, थोड़ा और वाइड एंगल में दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ये मैगी पॉइंट है, यमी यम, यहाँ पे हम यमी यम मैगी खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। अब
वी आर थिंकिंग टू स्टे एट बनीखेत और डलहौजी. डलहौजी इज लाइक 6 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, क्या बनाते हैं अभी आगे जाके देखते हैं. वी आर चेकिंग आर फोन्स वगैरह के ऑप्शन क्या हैं रुकने के, जहाँ कोई बेटर मिले. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, आगे थोड़ा और मिल जाएगा, और अपने पास टाइम भी है, तो कल तो डलहौजी रुकना ही है. सो वी आर थिंकिंग इफ वी गेट अ गुड प्राइस डील समवेयर हियर तो यहाँ भी रुक सकते हैं. डलहौजी कितना ही है, 6 किलोमीटर है यार, बट सही है. ये देखिए नज़ारा, चंबे रहा नज़ारा, यह तो सुंदर है यार. हिमाचल इज ब्यूटीफुल. दैट इज़ वेयर वी आर स्टेइंग गाइस. होटल वाइल्ड रोज है यहाँ, और यहाँ मस्त अपनी गाड़ी की पार्किंग भी लग गई. मेन एक्चुअली पहाड़ों में यही होता है, अपनी पार्किंग सिक्योर मिल जाए ना तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है. क्योंकि वैसे भी मेरा, चलो मेरा तो हिमाचल का लोकल नंबर है, इतना कोई दिक्कत नहीं, पर होता ही है अगर थोड़ा अपना सेफ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती कोई, वरना आस पास मार जाए कुछ कर जाए तो अलग है. तो टॉप पे ही आई है, अच्छा है. बाकी अभी आपको दिखाते हैं और क्या नज़ारा है. सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग, वाइल्ड रोज कम्फर्ट स्टे. आप नंबर नोट कर सकते हैं वांट टू कम हियर. ये होटल की लॉबी है. जी गाइस, हमने रूम ले लिया यहाँ पे, ठीक है. अपने को इकोनॉमिकल मिल गया, अच्छे रेंज में कमरा, और कमरा भी ठीक है, डिसेंट है, हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए यार, नीट एंड क्लीन. बाकी तो ठीक है, छोटा बड़ा तो चलता रहता है, हमने कौन सा यहाँ घर डालना है. लेकिन क्यूट बालकनी विद सम गुड व्यू, ठीक है, व्यू तो अच्छा है यार, और क्या चाहिए, अच्छा व्यू है. उसके अलावा ये ऊपर यहीं भी मार्केट में ही है, यहाँ से गांधी चौक अराउंड 300-400 मीटर है, और एक छोटी सी मार्केट है नज़दीक. तो ठीक है, ये देखो अच्छा है, कंफर्टेबल है, टीवी भी है. तो ये रूम अपने को पड़ा अराउंड 1800 का. वैसे ऑनलाइन तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहा है, ये ऑनलाइन तो ये आ रहा है इसका रेट अराउंड 2700-2800, बट अपने को 2000-1800 का पड़ गया, तो गुड इनफ, सही है, काफ़ी ऑप्शन है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टे इज़ दैट यू विल गेट अ पार्किंग विद इट. तो आपकी मोस्टली पार्किंग की टेंशन हट जाती है. तो गाइस अभी हम मेन डलहौजी में पहुंच गए हैं. कुछ नहीं है यहाँ, एक चौक है, वहाँ से आगे का चंबिया वहाँ का रास्ता है, थोड़ा लोकल मार्केट है, थोड़ी वो देखेंगे दुखेंगे अभी रात में देखेंगे, रात में वे भी वुड बी अ लिटिल बेटर, बट यही है, ये मार्केट है. यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, तो दैट्स द व्यू फ्रॉम हियर. ये नॉर्मल यहाँ मार्केट है, और तो यहाँ से अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट फ्रांसिस चर्च. एक्चुअली सारे ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स भी सही थे अपने शिमला, हिमाचल, डलहौजी, ऑल दिस प्लेसेस. उन्होंने अपना एक रेजिमेंट ज़रूर बनाया रखा होता था, बिकॉज यहाँ रहने का जो मज़ा है वो अलग ही है. बल्कि इफ़ यू एवर विजिट शिमला, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ यूरोपियन स्टाइल. और चर्च काफ़ी अच्छी है, चर्च अच्छी है, नाइस है. और ये देखिए बैठने के लिए बढ़िया सा एक ये बना दिया है, अच्छा है. हिल स्टेशन वैसे भी सही होते हैं यार, ठंडा, ठंडी हवा होती है, ठंडा होता है. इट्स द 12th स्टेशन वेयर इट इज पोर्ट्रेइंग जीसस डाइज ऑन द क्रॉस. है तो सुंदर है ये जगह, इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग. Church.
हम चर्च को देखा है, आपको भी दिखा दी। अच्छी थी, छोटी सी चर्च और बहुत अच्छी मेंटेन्ड और सुंदर और कॉम्पैक्ट सी, बड़ा अच्छा लग रहा था अंदर बैठ के। थोड़ी देर बैठे 15 मिनट, इट वॉज वेरी नाइस। अब जा रहे हैं वापस टूवर्ड्स होटल, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करते हैं, सुबह से निकल रहे हैं, फिर रात को विल सी कुछ करना है कुछ और नहीं करना है। चलिए